नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ एसडीएम राहुल सर है। बीपीएससी टीआरई में आप देख रहे हैं जिस तरीका से बीपीएससी टीआरई 1 का और बीपीएससी टीआरई 2 का कट ऑफ बहुत अधिक चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है? क्या कट ऑफ जो बढ़ रहा है वास्तव में सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, या कट ऑफ जो बढ़ रहा है कोई अन्य कारण हो सकता है? यानी संपूर्ण कारण पर कट ऑफ बीपीएससी का बढ़ने का मुख्य कारण क्या होगा, क्यों कट ऑफ बढ़ जा रहा है, इसका सभी कारण पर सभी पहलू पर चर्चा किया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये चूक रहे हैं, सोच रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 में चूक गए, बीपीएससी टीआरई 2 में चूक गए, क्या हम इस तरीका से पढ़ेंगे या इसी तरीका से कट ऑफ बढ़ता रहे तो हम अगला तैयारी कर पाएंगे या ना कर पाएंगे? सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत कट ऑफ इजाफा हो रहा है, जिस तरीका से 80 प्रकार का रिजल्ट दिया गया, 80 सब्जेक्ट अलग अलग करके एक एक पॉइंट को देखते हुए बहुत कम समय में रिजल्ट भी दे दिया गया, सब कुछ तैयार कर लिया गया, लेकिन कट ऑफ जो बढ़ रहा है बच्चे को हजम नहीं हो रहा है कि इतना कट ऑफ कैसे बढ़ सकता है। 90 नंबर में 91 नंबर कट ऑफ चला जा रहा है, 80 80 85 85। सर क्या क्या रीजन हो सकता है कट ऑफ बढ़ने का? देखिए, सबसे पहले सच्चाई यह है कि कट ऑफ ज्यादा आ रहा है, अब बच्चे उस पर हल्ला हंगामा करें उससे कोई फायदा नहीं है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे नंबर ला रहे हैं। कट ऑफ ज्यादा का मतलब ये हुआ कि बच्चे नंबर ला रहे हैं तभी कट ऑफ ज्यादा आ रहा है। और उसका कारण देखिए, 3-4 कारण है। एक सबसे पहले कारण है कि हिंदी क्वालिफाइंग था, बहुत सारे बच्चे हिंदी में छट रहे थे, उनके नंबर इधर जीएस में कितने भी अच्छा आ जाए हिंदी में छट रहे थे तो उनका काउंटिंग नहीं हो रहा था। दूसरा निगेटिव नहीं है, बहुत सारे बच्चे एलिमिनेशन ऑप्शन जो करते हैं, तरीका जो होता है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके, इस पे मैंने डिटेल आपसे चर्चा किया हुआ, एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आप वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब निगेटिव एक बहुत रोल है, निगेटिव नहीं है जिसके कारण भी कट ऑफ बढ़ रहा है। हाँ, निगेटिव नहीं उसके कारण भी कट ऑफ बढ़ रहा है। तीसरा है कि पूरे इंडिया के लिए ओपन है एग्जाम, हर राज्य के बच्चे पढ़ रहे हैं और सिलेबस लगभग बराबर है, तो हर राज्य के बच्चे हैं, वहां के भी टॉपर आ रहे हैं तो यहाँ का कट ऑफ बढ़ेगा ही। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनसीईआरटी से सवाल आ रहा है, बच्चे अभी भी शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं, वन लाइनर किताब पढ़ के जाना चाह रहे हैं। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा वही रास्ता है सफलता का, एनसीईआरटी हो के ही रास्ता है। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिए, जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं, मैं बहुत सारे बच्चों से संपर्क में हूँ, जो भी सिलेक्शन जिनका भी हुआ है उन्होंने एनसीईआरटी को ट्रस्ट किया है, और आपको आश्चर्य होगा कि एनसीईआरटी से हूबहू कॉपी हो रहा है क्वेश्चन। एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एससीईआरटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, इसलिए हमारा जो बैच है वो हमने एनसीईआरटी पे ही स्टार्ट किया है। कोई अन्य किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको टचअप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आप जब तक एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे, नहीं डूबेंगे एनसीईआरटी में, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे आपका बैच ले सकते? आप बैच रुक्मणी पब्लिकेशन के थ्रू हमने स्टार्ट किया है, उनका ऐप है उसके थ्रू ले सकते हैं, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तब खुद भी कीजिए, लेकिन आपको एनसीईआरटी थॉरो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहिएगा कि मैं हल्ला हंगामा करूं कि कट ऑफ क्यों जा रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा समय 2-3 साल के बाद नहीं रहेगा, मैक्सिमम 2 साल तक ये मोमेंटम रहेगा, इतनी सीटें आएंगी फिर सीटें कम हो जाएंगी तो फिर आपको कंपटीशन और बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसलिए एक बात मैं लास्ट आपसे ऐड करना चाहूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, और एक बार पत्थर तबीयत से उछालिए, एक बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जाइए, सिलेक्शन होगा। सर कट ऑफ देखा जा रहा है, जो पहले के शिक्षक हैं या जो पहले से जुड़े हुए हैं, कोई प्राइवेट संस्थान हो या जो भी संस्थान हो, या कोई होम ट्यूशन ही कराते हैं लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा हो रहा है, उनका अंक अच्छा हो रहा है, इसका पीछे रीजन क्या होगा? इनका है कि वो पढ़ाई के टच में थे। बहुत सारे लोग, एक कहानी सुनाना चाहूंगा छोटी सी, कि एक बार बारिश होना बंद हो गया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी खेती करनी छोड़ दी, लेकिन एक आदमी खेती कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था, लोगों ने पूछा पानी नहीं है तुम खेती क्यों कर रहे हो, बोला मेरी प्रैक्टिस नहीं छूटे, जिस दिन पानी आएगी तुम्हारी प्रैक्टिस छूट जाएगी और मेरी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी। वही कारण यहाँ भी है, वो लोग पढ़ाई के टच में थे, वो लोग बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, उनका उन्हें एडवांटेज मिला है, और उनका भी एनसीईआरटी का लाभ। हाँ हाँ हाँ, सब जगह मैं तो बता रहा हूँ, मैं बहुत बच्चों के टच में हूँ जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। कट ऑफ ज्यादा जाए चाहे कम जाए, सिलेक्शन तो होना ही है, ये तो कोई चंद्रयान नहीं है कि एक बार ही जाएगा, हर बार उतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनसे मैं जब पूछ रहा हूँ सबने यही कहा कि उनको एनसीईआरटी का फायदा मिला है। सर अभी भी बच्चे ये क्या करते हैं, कोई भी बच्चे होते हैं उनको अंतिम समय में लगता है कुछ शॉर्टकट कर लें, कुछ इधर उधर से कर लें, कुछ एक आध बुक पढ़ लें उससे काम चल जाए, अपना सब्जेक्ट से यहाँ महत्व दिया जा रहा है। अभी आप चले जाइए तो एस्टेट का भी एग्जाम है, उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि अगस्त में बड़ी संख्या में वैकेंसी दिया जाएगा, और सर इसमें सीट जो है बताया गया कि 40-50 हजार के आसपास रह सकता है, क्या सीट बढ़ सकता है? जैसे कि सभी लोग का जो 1-5 में ज्वाइन किए हैं वो 6-8 में जा सकते हैं, या 11-12 जिनका हो गया 9-10 छोड़ सकते हैं,
सीट बढ़ सकता है। सही आपने जो बात कही, बिल्कुल सही कही, जिनका 1-5 में हुआ था उनका 6-8 में सिलेक्शन हो रहा है तो वो सीटें खाली हैं। अभी लगभग जो सीटें हैं वो 20-30% और ऐड होंगी, क्योंकि जो इंटरनल डेटा आ रहा है उसमें ही पता चल रहा है कि बच्चे दूसरे वाले एग्जाम में 6-8 में सिलेक्शन हो गया तो 1-5 वाला खाली हो रहा है, तो हाँ सीट ऐड होंगे। तो मैं बार बार इसी चीज पर रिपीट कर रहा हूँ, अभी से सीरियस हो जाइए, प्रॉपर प्लानिंग बना के कि मुझे पता चलना चाहिए कि आज से दूसरे महीने में 19वें दिन मुझे क्या पढ़ना है, मुझे आज पता होना चाहिए। रैंडमली नहीं कि सो के उठे, बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूँ, सो के उठे तो चलो आज मैथ्स पढ़ लेते हैं, सो के उठे चलो आज हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, वैसा वाला नहीं। प्रॉपर प्लानिंग बना के एक शेड्यूल बना के तैयारी कीजिए, देखिए सफलता मिलेगी। सर अगस्त 8 माह समय है, यदि एक समय को बांटे विद्यार्थी और अच्छा से तैयारी करते तो क्या शिक्षक बन सकते हैं? जरूर 100% बन सकते हैं। जो बच्चे अभी सीरियस हो जाए, 8 महीने का समय बहुत सफिशियंट है, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाए, 8 महीने का उनके पास एक शेड्यूल होना चाहिए। ये नहीं है कि 100% शेड्यूल पे टिके रहे, 1-2 दिन आगे पीछे हो, लेकिन शेड्यूल बना के पढ़ें कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है, इतना प्रैक्टिस करना है। और वो 10,000 क्वेश्चन वाला जो रूल है ना, वो हमेशा सब जगह सफल है। कि मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब में लिख के दिया है, आउटलायर्स नाम की किताब है, जिसको कि शाहरुख खान ने भी बताया है कि अगर किसी भी काम को आप 10,000 बार कर लेते हैं तो आप उस क्षेत्र के मास्टर हो जाते हैं। तो अगर आपने 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपका टीचर एग्जाम निकलना बिल्कुल फिक्स है। सर एक समस्या ये देखा जा रहा है, वेटिंग लिस्ट तो अब दिया नहीं जाता है, लगभग एग्जाम में समाप्त हो चुका है, लेकिन यूपीएससी हो या बीपीएससी हो उसमें रैंक के हिसाब से भरा जाता है, लेकिन टीचर में देखा जाए तो किसी का 11-12 हो गया, 1-5 हुआ, 9-10 हुआ, क्या इसमें भी इस तरीके से भरा जाएगा तो बहुत सारे अन्य अभ्यर्थी जिनका कम अंक आ रहा है उनको भी लाभ मिल सकता है? देखिए पहली बार इतने मास लेवल पर एग्जाम हो रहा है और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कमीशन के नॉलेज में आए तो अगली बार से इस पर वेटिंग लिस्ट और ये हो, लेकिन ये अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, अच्छा है कि ये सीटें वैकेंट होंगी और अगली वैकेंसी में ऐड होंगी, जैसा कि बीपीएससी में भी होता है कि अगली वैकेंसी में वो सीटें ऐड हो जाती है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, इसके बावजूद आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, मन में छूट गया हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि हताश निराश नहीं होना है, फिर से उठ के लग जाना है और अपने कमी को जरूर पहचाने, कहां कमी रह गई। आप भी जानते हैं असफलता में सफलता की कुंजी छिपी रहती है, सर क्या संदेश दीजिएगा? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जो गुजर रहा है वो वक्त नहीं है, जिंदगी है, तो इसको बड़े ध्यान से गुजारने दीजिए, काटिए नहीं, मेहनत कीजिए और देखिए जीवन जरूर बदलता है नौकरी लगने के बाद, मेरी बदली है, मेरी बदली है, सबकी बदलती है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को झोंकिए, वो गुलाब की तरह खिलेगा क्या जो चिराग की तरह जला ना हो। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।